हेलो गाइस, इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एससीएफ ऑफ। तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके दोनों नंबर्स का एससीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो डिवीजन एल्गोरिदम हमें क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिदम हमें कहता है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इसी चीज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 38,220 बड़ा है, यानी हम इसको डिवाइडेंड के जगह में लिखेंगे 38,220, और डिवाइजर की जगह पे 196 को लिखेंगे। तो डिवाइजर की जगह हम 196 लिखेंगे। तो अब हम 196 को 38,220 से डिवाइड देंगे। तो हम साइड में कर लेते हैं, 38,220 से 196 को डिवाइड देंगे। 196 को डिवाइड देने पे हमें कोसेंट 195 मिलता है और रिमाइंडर जीरो हो जाता है। तो हम कोसेंट की जगह 195 लिखेंगे और रिमाइंडर जीरो है तो रिमाइंडर की जगह जीरो लिखेंगे। तो 195 हम कोसेंट की जगह लिखेंगे और रिमाइंडर की जगह जीरो लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर जीरो मिल गया है। इसका मतलब जो यहाँ पे डिवाइजर होगा वही इन दोनों नंबर्स का एससीएफ होगा। तो एससीएफ ऑफ, देयरफॉर एससीएफ ऑफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196। तो इसी तरह से हम ये इस क्वेश्चन का पार्ट थ्री को भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एससीएफ को निकालना है। तो हम एससीएफ करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा 867 है, तो हम डिवाइडेंड की जगह 867 लिखेंगे और डिवाइजर की जगह 255 लिखेंगे। तो अभी हम रफ फेज में यानी पीछे या साइड में इसे डिवाइड करेंगे। तो हम 867 को 255 से डिवाइड देंगे। तो हम अगर इसे डिवाइड देंगे तो हमें कोसेंट 3 मिलेगा और रिमाइंडर 102 मिलेगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो कोसेंट की जगह हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं और रिमाइंडर की जगह 102 पुट करते हैं। तो कोसेंट की जगह हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं और रिमाइंडर की जगह 102 पुट करते हैं। तो अब हम जो डिवाइजर होगा उसे डिवाइडेंड बना देंगे और जो रिमाइंडर होगा उसे हम डिवाइजर बना देंगे। तो हम 255 को डिवाइडेंड की जगह में लिखते हैं और 102 को डिवाइजर की जगह लिखते हैं। तो अगर हम इसे डिवाइड दें तो सेम तरीके से हम इसे यहाँ पर डिवाइड देंगे। तो 255 को अगर हम 102 से डिवाइड दें तो 102 जो 204, तो हमें यहाँ पे 51 रिमाइंडर मिलता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे 2 कॉसन की जगह 2 लिखेंगे और रिमाइंडर की जगह 51 लिखेंगे। तो कॉसन की जगह हमें यहाँ पे 2 और रिमाइंडर की जगह 51। तो अब हम 102 को डिवाइडेंड बना देंगे और जो रिमाइंडर 51 है इसे डिवाइजर बना देंगे। तो हम 102 को यहाँ पे डिवाइडेंड की जगह लिखते हैं और डिवाइजर की जगह 51 लिखते हैं। जब हम 51 को 102 से डिवाइड देंगे तो हमें 51 जो है 102 होता है। तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो हम कॉसन की जगह 2 लिखेंगे और रिमाइंडर का जगह 0 लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया है, यानी जो डिवाइजर है वही इन दोनों नंबर्स का एससीएफ है। तो एससीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कर लिए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल को सॉल्व कीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो।